ऐसे नरेश भाई की जैसी समाज सेवा की सोच, इस समाज के प्रति अच्छी सोच और उसके लिए काम करने वाले सब बिल्कुल निश्चित रूप से सारे मिलकर एक और एक 11 बनकर जो है ना इस लड़ाई को लेंगे ऐसे भाइयों को साथ लेकर, और निश्चित रूप से 2024 में इस प्रदेश में एक नई उमंग नई तरंग होगी। मैम से विधायक बलराज कुंडू हांसी के गांव ढाणा खुर्द में पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ग्रामीण इकाई हांसी के द्वारा SD हाई स्कूल में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बलराज कुंडू के अलावा समाज सेवी नरेश यादव ढाणा वाले व भाजपा नेत्री गायत्री यादव, प्राइवेट स्कूल यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू समारोह में पहुंचे। समारोह में छात्र व छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि बलराज कुंडू विधायक ने क्या कहा, देखिए पूरी। धन्यवाद, थैंक यू जी सर। आज नहीं, आज शिक्षक दिवस के अवसर में इस SD स्कूल में कार्यक्रम था, बहुत ही अति सुंदर कार्यक्रम आती है जो शिक्षक दिवस का, और उसी के उपलक्ष्य आज मुझे यहाँ जो मान सम्मान प्यार सभी भाइयों ने दिया उसके लिए मैं सभी का दिल की गर्मी। और आज जो बातें हुई आपने देखी, एक शिक्षक जब चाहेगा, आज एक शिक्षक बड़े से बड़े UPSC के, HPSC के, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर्स, तो आर्मी ऑफिसर सब कुछ तैयार करता है। तो मेरा आज निवेदन किया उस शिक्षा जगत के सभी बुद्धिजीवियों से कि आज जरूरत है इस प्रदेश की पॉलिटिक्स में अच्छी सोच के, और वास्तव में लोकतंत्र को जो भगवान मानते हो, जो प्रजा का तंत्र हो, उस प्रजातंत्र की सोच वाले ऐसे निष्ठावान ऊर्जावान पढ़े लिखे युवाओं को तैयार करके इसके लिए भी तैयार करें। आज राजनीति को आज के युवाओं में उसके प्रति इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि डर्टी पॉलिटिक्स, आज भ्रष्टाचार लूट के लिए जो है ना राजनीति जाने लगे, राजनीति लोग ये राजघराने जो बन गए। जब तक अच्छे पढ़े लिखे एक डाउन टू अर्थ के बच्चे जो अच्छे उस सोच के साथ उस दर्द और पीड़ा को समझने वाले जब आएंगे तभी राजनीति में परिवर्तन आएगा। यही मैंने निवेदन किया आज शिक्षा जगत के सभी उनको बुद्धिजीवी पढ़े उनको। हाँ देखिए, ये तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को इससे एक्सपोजर मिलता है, एक्सपोजर हुआ बच्चे आगे, अदरवाइज बच्चों के अंदर वो झिझक भय जो चीज़ें वो भावनाएं तभी निकलेंगे जब इस प्रकार के कार्यक्रम स्कूलों में कराए जाएंगे। ये भी ज़रूरी है समय के साथ में। पार्टी बन गई है मेरी, क्या नाम से बनी है सर? हरियाणा जन सेवक पार्टी, और बहुत जल्दी उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे और आपको निमंत्रण भी देने आऊँगा, और इस प्रदेश के अंदर एक नई आगाज नई सोच के साथ उसको आगे बढ़ेंगे। इस प्रदेश के अंदर से ये भय भ्रष्टाचार लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करके नए हरियाणा के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे नरेश भाई जी आपके साथ हो, ऐसे नरेश भाई की जैसी समाज सेवा की सोच, इस समाज के प्रति अच्छी सोच और उसके लिए काम करने वाले सभी अपने भाइयों को निवेदन है कि हम सब मिलकर, अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा, हम सबको मिलकर इस प्रदेश को बचाने के लिए अपनी भूमिका में आना होगा, तभी हम इस प्रदेश से ये राजघरानों की और लूट और झूठ की ये जुमलेबाज लोगों को यहाँ से भगाकर इस प्रदेश को बचा सकेंगे, इस प्रदेश के युवाओं को भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से सारे मिलकर एक और एक 11 बनकर जो है ना इस लड़ाई को लेंगे ऐसे भाइयों को साथ लेकर, और निश्चित रूप से 2024 में इस प्रदेश में एक नई उमंग नई तरंग होगी। और थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि जिस तरीके से हरियाणा पोलखोल न्यूज़ हर हमारे हांसी की न्यूज़ को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले हम आपके न्यूज़ से ही हांसी की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई, और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ जो कि हैं हरियाणा पोलखोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है, और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं, तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।